मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। वो शख्स अपनी फीमेल फ्रेंड को उस कर्स टेप के बारे में बता रहा होता है, जिसे देखने पर 7 दिन बाद ही उस शख्स की मौत हो जाती थी। अब क्योंकि मेल फ्रेंड ने उस टेप को देख लिया होता है, इसी वजह से वो उस टेप की कॉपी बनाकर फीमेल फ्रेंड को दिखाना चाहता था, ताकि उसके ऊपर से कर्स्ड यानी श्राप हटकर उसकी फ्रेंड पर शिफ्ट हो जाए और वो बच जाए। इसी वजह से वो उस टेप को प्ले कर देता है, लेकिन वो लड़की उस कर्स्ड टेप को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसे पूरा देख ही नहीं पाती है। इसका मतलब ये था कि समारा का कर्स्ड अभी भी उस लड़के पर ही है। अब क्योंकि 7 दिन पूरे हो गए थे और उस लड़के का आखिरी दिन भी होता है, इसी वजह से समारा वहां आकर उसे मार डालती है। सीन चेंज होकर ईडन और उसकी मॉम पर शिफ्ट हो जाता है। ईडन और उसकी मॉम ने अपना पुराना घर छोड़ दिया था और वो अब नए घर में शिफ्ट हो गए होते हैं। ईडन की मॉम अतीत में पेश आए इंसिडेंट को भुलाने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रही थी। इसके साथ ही एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए जॉब किया करती थी। एक दिन ईडन की मॉम को किसी न्यूज के बारे में पता लगता है। उस न्यूज में ये मेंशन होता है कि कल रात एक यंग लड़के की मौत हो गई है। हैरत की बात होती है कि पुलिस भी उसकी डेथ का रीजन नहीं दे पा रही होती है, क्योंकि उसकी डेथ हुई ही इतने अजीब तरीके से थी। ये खबर सुनकर ईडन की मॉम को फील हो जाता है कि उस शख्स को किसी और ने नहीं बल्कि समारा ने ही मारा होगा। बाद में वो उस प्लेस पर जाती है जहां पर उस लड़के की बॉडी को रखा गया था। ईडन की मॉम डेथ बॉडी की कंडीशन देखकर काफी सहम जाती है। खैर बाद में वो उस लड़के की फीमेल शख्स के पास जाती है। वो उससे सारी बातें सुनकर उससे उस कर्स टेप के बारे में सवालात करती है। इससे उन्हें पता लग जाता है कि कर्स टेप अभी भी उसी लड़के के घर पर ही है। इसी टेप को हासिल करने के बाद वो टेप को लेकर फॉरेस्ट में चली जाती है और वहां पर वो उस टेप को जलाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर ईडन अपने बेड पर सोया हुआ था, तभी उसे अपने ख्वाबों में समारा नजर आती है, जो कि उसे अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रही थी। इस ख्वाब से ईडन घबराकर जाग जाता है, लेकिन वो अपने इस ख्वाब और समारा के बारे में कुछ भी राबता नहीं करता है। इस वाकये के बाद से ही ईडन काफी ज्यादा डरा और सहमा हुआ रहता था। इसी वजह से उसकी मॉम उसका मूड ठीक करने के लिए उसे पास ही में लगे मेले में ले जाती है। वहां जाकर भी ईडन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और न ही वो बाकी बच्चों की तरह वहां एंजॉय कर पा रहा था। बाद में वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है, तब हम उसके पीछे किसी को नोटिस करते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि समारा ही होती है। ईडन को भी फील होने लगता है कि उसके अलावा भी यहाँ कोई और मौजूद है। इसी वजह से वो खुद की फोटोज बार बार क्लिक करने लगता है। बाद में ईडन की मॉम भी वहां आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। सडनली वे में हिरन आ जाते हैं, इस वजह से उसे कार को रोकना पड़ता है। कार के रुकते ही हिरन उन पर अटैक करने लगते हैं और देखते ही देखते वहां काफी सारे हिरन आ जाते हैं, लेकिन ईडन की मॉम किसी तरह कार को लेकर सेफली वहां से निकल जाती है। घर आकर अचानक से ईडन की हेल्थ काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी लगातार गिरता ही जा रहा था, यानी उसकी बॉडी ठंडी पड़ती जा रही थी। ये सब देखकर ईडन की मॉम काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो डॉक्टर को ईडन की कंडीशन के बारे में राबता करती है। बाद में वो ईडन के रूम में वापस से जाती है, लेकिन इस बार उसे रूम में कहीं भी ईडन नजर नहीं आता है और अब उसे वॉल पर समारा नजर आती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन बाद में उसे वहां पर ईडन नजर आता है। उसे देखकर हमें कंफर्म हो जाता है कि समारा ने ईडन की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसके बाद ईडन की मॉम उसे लेकर अपने फ्रेंड के घर पर आ जाती है। ईडन उसे राबता करता है कि समारा आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर रही है, इसी वजह से वो इतना ज्यादा बीमार पड़ रहा है। खैर बाद में ईडन की मॉम उसकी टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए उसे गर्म पानी में नहलाने का डिसाइड करती है, लेकिन शॉकिंग बात होती है कि जब से समारा ने उसकी बॉडी पर कब्जा किया था, तब से ही उसे पानी से काफी ज्यादा डर लग रहा था। खैर बाद में और ईडन की मॉम के इतने ज्यादा कोशिशों के बाद फाइनली वो तब में बैठ जाता है। बाद में वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेने घर में जाती है। वहां पर उसे ईडन की फोटोग्राफ्स मिलती है। ये फोटोज तब की होती हैं
जब ईडन मेले में गया हुआ था। उन फोटोज में हम समारा को साफ तौर पर नोटिस कर सकते थे जो कि ईडन के पीछे खड़ी हुई थी। इन फोटोज से अब उसे यकीन हो जाता है कि समारा ने वाकई पूरी तरह से ईडन पर अपना कंट्रोल कर लिया है। इसी वजह से वो दोबारा अपने फ्रेंड के घर पर जाती है, लेकिन हैरत की बात होती है कि वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था। काफी कोशिशों के बाद वो दोनों डोर को अनलॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। बाथटब का जितना भी वाटर था वो सब हवा में होता है। बाद में ईडन के मॉम के रूम में दाखिल होते ही जितना भी पानी होता है वो सब ईडन की मॉम के ऊपर गिर जाता है। हम व्यूअर्स बाथटब में ईडन को देखते हैं जिसे समारा बाथटब में पकड़कर बैठी हुई होती है। मैक्स सब कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो अब ईडन की कंडीशन देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। बाद में मैक्स ईडन की मॉम से उसके बेटे के साथ पेश आए सारे वाक्यों के बारे में सवालात करता है। तब ईडन की मॉम उसे समारा के बारे में सब कुछ राबता कर देती है, लेकिन उसकी बातों को सुनकर मैक्स को जरा सा भी यकीन नहीं होता है। बाद में ईडन की मॉम अपने बेटे के पास जाती है और वो उसकी ऐसी कंडीशन देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो अपने बेटे को इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। उस दौरान ही उसे समारा से जुड़े हुए उसके अतीत के कुछ विजन्स आने लगते हैं। इसी वजह से वो इन सब बातों का पता लगाने के लिए उस आइलैंड पर चली जाती है जहाँ पर समारा अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। उस घर के बेसमेंट में उसे समारा के कुछ कपड़े मिलते हैं और साथ ही समारा की पर्सनल डायरी भी। उन क्लूज की हेल्प से समारा एक ऑफनेज में पहुंच जाती है और वो वहां की सीनियर से समारा के बारे में पूछने लगती है। तब वो लेडी उसे समारा के बारे में सब कुछ रिवील करती है कि समारा की मॉम जब यहाँ पर आई थी तब वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। बाद में कुछ दिनों के बाद समारा इस दुनिया में आ गई, लेकिन समारा नॉर्मल बच्चों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पैदा होने के बाद हर बच्चा रोता है, लेकिन समारा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि समारा कभी रोती ही नहीं थी। समारा की मॉम जब भी उसे नहलाने की कोशिश करती थी तभी वो काफी ज्यादा रोती थी। इन सब वाक्यों से समारा की मॉम को लगता था कि समारा नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो सी की एक शैतान है। इसी वजह से उसने कई बार समारा को पानी में डूबा कर मारने की कोशिश भी की थी। ऑफनेज के कुछ लोगों ने उसे ऐसा करता हुआ देखा तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गए और उन्होंने समारा को उसकी मॉम से छीनकर उसकी मॉम को मेंटल असाइलम में भर्ती कर दिया। ये सारी बातें सुनकर ईडन की मॉम समारा की माँ से मिलने मेंटल असाइलम में जाती है। उसे देखते ही समारा की मॉम उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपने बेटे के लिए आई हो, लेकिन गलती तुम्हारी ही है क्योंकि तुमने ही उसे आजाद किया था। अगर तुम अपने बेटे को वापस से सही करना चाहती हो तो तुम्हें उसे सुलाना होगा, जो काम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि ईडन की बॉडी पर समारा है और मरे हुए लोग कभी भी सोते ही नहीं है। तुम्हें कुछ भी करके अपने बेटे को सुलाना होगा। बाद में गार्ड वहाँ पर आ जाता है और वो ईडन की मॉम को वहाँ से जाने का कहता है क्योंकि टाइम पूरा हो गया होता है। इधर ईडन अपनी मॉम के पास जाने की जिद कर रहा था, लेकिन डॉक्टर उसे जाने नहीं देती है। इस वजह से समारा उसकी जान ले लेती है। बाद में वो मैक्स को भी मार देती है। ईडन की मॉम मैक्स की डेड बॉडी देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। बाद में वो घर में दाखिल होती है जहाँ पर ईडन टीवी देख रहा होता है। अब क्योंकि उसकी बॉडी में समारा का कब्जा था, इसी वजह से इतनी रात गए भी उसे नींद नहीं आ रही होती है। तब उसकी मॉम बेहोशी की मेडिसिन डालकर उसे सैंडविच खाने को देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और अब वो सही मौका देखकर वो उसे बाथटब में डाल देती है। अब क्योंकि समारा को पानी से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, इसी वजह से वो ईडन की बॉडी से बाहर आ जाती है। कुछ पलों बाद उनका टीवी वापस से ऑन हो जाता है और उसमें से समारा निकलती है, लेकिन इस बार वो उसकी मॉम को ही अंदर खींच लेती है, जिस वजह से ईडन की मॉम उसी कुएं में गिरती है जिसमें समारा की डेथ हो गई थी। बाद में वो उस कुएं से बाहर निकलने के लिए ऊपर चढ़ने लगती है। उन्हें फॉलो करते हुए समारा भी आ रही होती है, लेकिन ठीक वक्त पर वो स्टोन से निकलने का वे ही ब्लॉक कर देती है। इस तरह समारा हमेशा के लिए वहीं पर फंस जाती है। ईडन की मॉम ने उसे वहां पर फंसाकर अपनी गलती को सुधार लिया था, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही समारा आजाद हो गई थी। बाद में वो टीवी की हेल्प से अपनी दुनिया में आ जाती है। ईडन भी सही हो गया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।